अस्सलाम वालेकुम। मौसम तेज़ी से बदल रहा है, ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो चुकी हैं। तो ये कुछ हमारे प्लांट्स जो हैं अब विंटर में रहेंगे तो सही, लेकिन डोरमेंसी में चले जाएंगे। उन पे फ्लावर्स नहीं आएंगे, ग्रोथ नहीं होगी, और जो उसकी फूल हैं वो तो ज़ाहिर है बिल्कुल ही रुक जाएंगे। तो उनमें से ये प्रोटोला का या 9 to 5 जो प्लांट है, ये जिसने हमारे पूरी समर में हमारे गार्डन में खूबसूरत फूल खिले रहे हैं, तो ये भी अब डोरमेंसी में जाने वाला है। अभी इस टाइम पे तो ये काफ़ी हमारे गार्डन में फ्लावर्स आ रहे हैं, लेकिन ये 10-15 दिन के बाद ये बिल्कुल जो थोड़े थोड़े फ्लावर्स हैं ये भी ख़त्म हो जाएंगे। इसको हम सेव कर सकते हैं। सेव करने का ये तरीका है कि हर एक गमली आप हर कलर की अपने पास रखते जाएं, और उनको जब कोरा पड़ेगा तो कोरे से बचाना है। कहीं आप साइड पे शेड में रख लें ताकि उस पर डायरेक्ट कोरा ना पड़े, और उसके जो इस तरह ब्रांचेस हैं उनकी पिंचिंग करते जाएं, इस तरह उनको तोड़ते जाएं। हर हफ्ते के बाद जब देखें थोड़ी सी ब्रांच निकली है उसको आप थोड़ा इस तरह पिंचिंग उसकी करते रहें, तो इस तरह वो जो प्लांट है वो आपका सरवाइव करेगा। और जब फेब्रवरी में हम नए फूलों के जो प्लांट्स हैं लगाना शुरू करेंगे अपने गार्डन में, तो आपके पास ये 9 to 5 प्रोटोला का जो प्लांट है इसकी सारी कलेक्शन हर कलर होगा। इस तरह एक एक गमली आप अपने पास सेव करते जाएं। जिस तरह ये देखें, ये ऑरेंज है, ऑरेंज सा पिंक कलर है, ये मैं एक रख लूँगी। ये बेबी पिंक है, एक ये गमली में रख लूँगी। ये रेड है, एक ये रख लूँगी। ये येलो है। इन सब के ऊपर टैग हम लगा लेंगे या मार्कर से लिख लेंगे गमली के ऊपर कि ये कौन सा कलर है। इस तरह ये छोटी सी है पॉट, ये भी बेबी पिंक कलर इसमें लगा हुआ है, एक इसको हम सेव कर लेंगे। इस तरह ये वाइट है, एक गमली वाइट की हम सेव करके रख लेंगे। और इसी तरह ये शॉकिंग पिंक कलर है, इसको भी हम इसी तरह उसके ऊपर मार्कर से या कोई टैग लगा के लिख लेंगे, और इसको हम शेड एरिया में रखेंगे जहाँ पे कोरा ना पड़े, और हल्का पानी और मॉइस्ट थोड़ा सा रखेंगे, ज़्यादा वाटरिंग भी नहीं करनी। और इसकी इस तरह बस आपने ब्रांचेस को पिंच करके रखता है, थोड़ा थोड़ा इस तरह आप काटते रहेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा प्लांट जो है बुशी भी हो जाएगा। आप इसको एक एक जो रूट के साथ एक प्लांट आपके पास जो क्यारियों में लगे हैं वहाँ से हर कलर का निकाल के, और ये आप गमलियों में इस तरह सेव करके तो नेक्स्ट सीज़न के लिए रख सकते हैं। फिर आपको ये दोबारा नर्सरी से परचेज़ भी नहीं करना पड़ेगा, और इस तरह आपके पास स्टॉक में ये सारा प्लांट के जो कलर रेंज है वो भी अवेलेबल होगी। तो अब ये मैंने सारी गमलियाँ अलग की हैं कि इनके ऊपर मार्कर से कलर इनके लिख के, क्योंकि फ्लावरिंग इनकी नहीं होगी तो इसलिए हमें पता नहीं होगा कि इस गमली में कौन से कलर का जो है हमारे पास फ्लावर प्लांट मौजूद है। तो लिख लेंगे तो फिर हमें हमारे सामने हर चीज़ होगी कि ये वाइट है, येलो है, ये शॉकिंग पिंक है, रेड है। तो इस तरह हम इनको सेव कर सकते हैं, कोरे से बचा लें और ये प्लांट ग्रो करता रहेगा। लेकिन आपने इस तरह इसकी जो ब्रांचेज हैं, शाखें हैं, उनको इस तरह पिंच करते रहना है, तो वो बुशी होता रहेगा, उसकी ब्रांचेज ज़्यादा ग्रो होती रहेंगी लेकिन फूल नहीं होंगे, और एक एक हर कलर का प्लांट आपके पास सेफ हो जाएगा। फिर जब फरवरी मार्च में हम दोबारा से क्यारियाँ और पॉट्स तैयार करेंगे तो उसमें इनको हम लगा लेंगे। इसके साथ ही ये दूसरे नंबर पे है बेज़ल, तुलसी से कहते हैं बेज़ल, नियाज़वो, ये भी अब डोरमेंसी में जा रहा है। आप ये देखें इसके भी पत्ते अब खुश्क हो रहे हैं, तो इसको भी कोरे से बस बचा के रखें, फ्लावरिंग और इसके भी जो लीव्स हैं वो गिर जाएंगे। अभी इसको नया प्लांट आपको परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सर्दियों में ये इसी तरह डोरमेंसी में रहेगा। इसके साथ थर्ड जो है ये मोगरा का या कलियों का जिसे हम कहते हैं पौधा है, अभी हमारे थोड़ी थोड़ी इस पर कलियाँ आ रही हैं और लीव्स भी अच्छे फ्रेश हेल्दी हैं, लेकिन ये भी डोरमेंसी में जाने वाला है। इसके जो पत्ते हैं खुश्क होंगे, और इसको हम कोरे से बचा सकते हैं
ये रहेगा तो सही, लेकिन इसके जो लीव्स हैं वो भी कुछ डल हो जाएंगे और फूल इस पे बिल्कुल नहीं आएंगे सर्दियों में। फिर फरवरी मार्च में दोबारा से हम इसकी प्रूनिंग करेंगे, तब इसकी नई शाखें निकलेंगी और कुछ हम इसको अच्छी फर्टिलाइज़र से फीड करेंगे तो फिर इसकी फ्लावरिंग शुरू होगी। इसके साथ ही ये है प्लांट टेंगल हार्ट का। सर्दियों में भी ये रहता है काफ़ी, मतलब सरवाइव तो कर रहा होता है ख़राब, लेकिन इसकी ग्रोथ रुक जाती है। जिस तरह ये इसकी ट्रेल्स आ रही हैं, ये इतनी ग्रो नहीं करती और ये थोड़ा स्लो हो जाता है। इसको भी कोरे से आप बचाएं, शेडी एरिया में रखें, तो इसकी सॉइल को हल्का मॉइस्ट रखें, ज़्यादा वाटरिंग ना करें, तो फिर जब समर सीज़न आएगा तब से ये ग्रो करना शुरू करेगा। इसके साथ ही जीजी प्लांट है, ये भी इसी तरह से है। इसकी सर्दियों में लीव्स बिल्कुल इसके शेड हो जाते हैं, सिर्फ इसकी ग्रीन ब्रांचेस रह जाती हैं, तो इसे भी हम अंदर शेड एरिया में रखेंगे कोहरे से बचाने के लिए। और जैसे ही समर शुरू होगा तो ये प्लांट भी फिर से अपने लीव्स नए निकालेगा और ग्रो करना शुरू करेगा। फिर अभी इसकी ग्रोथ का सीज़न नहीं है, अब आप इसकी प्रोपेगेशन भी ना करें। ये स्पैराग्रास है, ये भी सर्दियों में डोरमेंट हो जाता है। नए पत्ते, नई शाखें, नई ब्रांचेज इसकी नहीं निकलेंगी, बल्कि कुछ ड्राई ड्राई सा इस तरह से खुश्क होना शुरू हो जाएगा। तो इसको भी हमें शेड एरिया में रखना है। रहेंगी जो इसकी पहले से ब्रांचेज हैं वो तो सरवाइव करेंगी, लेकिन कुछ थोड़ी ड्राई भी होती रहेंगी। लेकिन ये प्लांट सर्दियों में प्रॉपेगेट तो नहीं कर सकते हम, और क्योंकि ये भी डोरमेंसी में चला जाता है। अभी तो इसकी ये देखिए फ्रूटिंग हो रही है, मैंने इस पर वीडियो भी पूरी बनाई थी, लेकिन ये भी सर्दी के मौसम में डोरमेंसी में हो जाता है। इसके साथ ही ये देखें जी, ये है मनी प्लांट, जो कि सर्दियों में बिल्कुल इसके जो लीव्स हैं वो ग्रीन भी रहते हैं, लेकिन इस तरह से येलो भी होना शुरू हो जाते हैं। ये क्योंकि मेरा ओपन एरिया में पड़ा है, स्काई आसमान के नीचे, यहाँ पे धूप भी काफ़ी रहती है 2 बजे तक। लेकिन अभी देखें मौसम बदलने के साथ ही इसकी जो पत्तियाँ हैं वो ये देखें इस तरह से येलो होनी शुरू हो गई हैं। इनको मैं हटाती रहती हूँ, लेकिन अब ये इस तरह से येलो होके काफ़ी अपनी पत्तियों को गिराएगी ये बेल मनी प्लांट की। लेकिन जो शेड में आपने रखे होंगे उसमें पत्तियाँ येलो कम होंगी और कम उसकी येलो नेस जो सी इतनी ज़्यादा नहीं पत्तियाँ वो शेड करेगा। लेकिन उसमें भी ये आपने ख्याल रखना है कि अगर आपने इसकी ब्रांचेस को रीअरेंज करना है, कोई आपने उसमें नीचे लटक रही है तो उसे आपने ऊपर की तरफ बांधना है, उसको सेट करना है उसकी शेप को, तो वो आप अभी कर लें, सर्दियों में आप नहीं कर सकेंगे। क्योंकि सर्दियों में इसकी जो ब्रांचेस हैं और ये जो शाखें हैं इसकी, ये बहुत ब्रिटल हो जाती हैं। आप जिस शाख को भी हाथ लगाएंगे तो ये जितनी अभी फ्लेक्सिबल है ये इस तरह से फ्लेक्सिबल नहीं रहेगी, बल्कि ये हाथ में आते ही टूट जाएगी। तो आपने अगर रीअरेंज करना है इसे तो अभी ये अक्टूबर के महीने में आप कर लें। उसके बाद जैसे ही ज़्यादा मौसम ठंडा होगा तो ये इसकी जो ब्रांचेज़ हैं इतनी फ्लेक्सिबल नहीं रहेंगी, ये ब्रिटल हो जाएंगी, पत्ते ज़्यादा इसके पीले होना शुरू हो जाएंगे। वो तो अभी से शुरू हो गए हैं ये देखिए, क्योंकि बाहर रात को ज़रा मौसम ठंडा ज़्यादा होता है। तो जिन्होंने अभी अपनी इस मनी प्लांट की बेलों को अरेंज करना है, रस्सी से बांधना है या कोई उसकी शेप करनी है, तो वो अभी उनके पास टाइम है। सर्दियों में ऐसा ना करें, क्योंकि उस वक्त फिर ये ब्रांचेस बहुत हार्ड हो जाएंगी और वो टूट जाया करेंगी जब आप उसको हाथ लगाएंगे या मोड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये भी अब हमारा प्लांट जो है रहेगा तो ग्रीन ही, लेकिन ये डोरमेंसी में चला जाएगा, इसकी ग्रोथ रुक जाएगी, नई शाखें बिल्कुल नहीं निकलेंगी और लीव्स इसके येलो होते रहेंगे, शेड होते रहेंगे, कुछ इसकी ब्रांचेस जो सी हैं वो खाली खाली सी ज़रा लगेंगी, जो बिल्कुल ओपन एरिया में है, जो अंदर आपने शेड में रखे हैं वो उसमें ग्रोथ तो रुक जाएगी, लेकिन वो साथ में उसके
जो लीव्स हैं वो ज़्यादा शेड नहीं होंगे। इसके साथ ही हमारे पास है स्नेक प्लांट। ये स्नेक प्लांट भी इसी तरह हरा भरा तो रहेगा, लेकिन ये सर्दियों में इसके जो ग्रोथ है, नए इसके जो पप्स हैं वो नहीं निकलेंगे, तो इसलिए इसको भी हमें शेडी एरिया में रखना है, कोहरे से बचाना है। हार्ड प्लांट है लेकिन इसको कोहरे से बचाएं तो बेहतर है। अब ये देखें ना, इसकी बड़ी लंबी लंबी सी ऐसे इसकी पत्तियां हैं, काफ़ी फ्रेश है इसकी लुक। तो ये भी सर्दियों में फिर इसके पप्स नए निकलना रुक जाएंगे। जो नए जिन्होंने ये प्लांट्स स्नेक प्लांट अपने घर में रखा है वो उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये रहेगा इसी तरह ग्रीन हरा भरा। लेकिन इसको पानी बहुत कम देना है सर्दियों में, 15 दिन के बाद अगर सॉयल इसकी आपने चेक करनी है कि वो ड्राई है तो फिर आपने इसमें पानी देना। ज़्यादा वाटरिंग करेंगे तो ये ख़राब होगा, इसकी पत्तियाँ बिल्कुल लचकदार होके साइडों पे गिरना शुरू हो जाएंगी और जड़ें इसकी गल जाएंगी और प्लांट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो सर्दियों में, विंटर सीज़न में आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके साथ ही ये रबर प्लांट है, ये भी डॉर्मेंसी में चला जाएगा अब और इसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। इसके लीव्स को आपने साफ़ रखना है, कपड़े से साफ़ रखें, मिट्टी वगैरह उस पर डस्ट ना हो, ताकि ये इसकी जो लीव्स हैं उनको वेंटिलेशन में और जो उसमें हेल्प होती रहे। और शाइनी देखें, इसके लीव्स कितने चमकदार शाइनी हैं। इसको प्रोपेगेट अब नहीं हम कर सकेंगे, जब ये नया सीज़न शुरू होगा फरवरी मार्च में, तब आप इस प्लांट को दोबारा से प्रोपेगेट करेंगे। पानी भी इसे कम देना है और कोरे से बचाना है, वरना इसकी पत्तियाँ जो सी हैं सूखना शुरू हो जाएंगी और ड्राई होके गिरेंगी फिर। तो ये तमाम छोटे छोटे इसी एहतियात हैं जो कि हमने अपने गार्डन में अपने प्लांट्स को सेव करने के लिए हमें इख्तियार करनी पड़ेंगी, ये एहतियाती तदाबीर, ताकि हमारे गार्डन में जो हमारी कलेक्शन है, बड़ी मेहनत होती है हर प्लांट के ऊपर और आपका पैसा भी लगा होता है, और पैसा तो होता ही है ज़ाहिर है, परचेज़ करके लाते हैं फिर उस पर फर्टिलाइज़र और उस पर आप टाइम भी लगाते हैं, लेकिन उनको सेव करना मौसम के हिसाब से, सीज़न के हिसाब से बहुत ज़रूरी होता है कि आप उसको सीज़न के मुताबिक वो एनवायरनमेंट दें, उस तरह की डाइट दें, ऐसा माहौल दें कि आपका प्लांट अच्छे से सर्वाइव करता रहे और आपका गार्डन जो है हरा भरा ग्रीन रहे। चलिए जी, ये कुछ ऐसे प्लांट्स थे जो मैंने आपसे शेयर किए हैं जो कि अब मेरे गार्डन में हैं और ये डॉर्मेंसी में जाने वाले हैं, तो हमें इन सब के लिए ये एहतियाती काम जो हैं हमें करने होंगे। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। मैं टाइम टू टाइम जो भी सीज़न के मुताबिक अपडेट्स होंगी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।